आखिर 18 महीने बाद हुए गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन फेरबदल के आखिर मैसेज क्या है? इसका सबसे बड़ा मैसेज यह है कि अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गांधी हाई कमांड, बट इन राजस्थान गहलोत कंटिन्यूज टू बी देयर फर्स्ट चॉइस। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू गहलोत, ही इज इंडिस्पेंसेबल फॉर गांधी, ही इज इन टोटल कमांड ऑफ एमएलए एंड द एंटायर मशीनरी ऑफ द स्टेट। और जो मैं पहले कह चुका हूँ कि राजस्थान में सो फार कांग्रेस का मतलब है गहलोत, इज द फर्स्ट मैसेज। सेकेंड मैसेज इसका ये है कि जो फेरबदल हुआ है, पायलट कैंप के जो लोग आए हैं 5, ये सारी एक्सरसाइज है, इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय प्रियंका गांधी एंड लेट अहमद पटेल। इससे आगे ज़्यादा नहीं है। जो वादा किया था प्रियंका गांधी ने पायलट कैंप के साथ, उसे पूरा करने तक सीमित है सारी एक्सरसाइज जो है। तीसरा इसका बड़ा मैसेज ये है कि राजस्थान में एज सच एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ में पायलट का अभी रोल नहीं है। राजस्थान में उन्हें कोई जिम्मेदारी अभी नहीं दी गई है, अभी नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे उनका जो रोल है एक लीडर की तरह, जैसा उन्होंने कहा चुनाव जीतेंगे वो आते रहेंगे, टोंक आएंगे, टोंक के अलावा राजस्थान में जाएंगे, किसी की डेथ है, शादी है, ब्याह है, लीडर जाता है, जाते आते रहेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, सब होगा। लेकिन एक्टिव जो पॉलिटिकल रोल है, सोच रहे थे कि पीसी चीफ बनेंगे या कुछ और होगा, ऐसा कोई इंडिकेशन अभी नहीं है। अब देखने की बात यह है कि जब वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो मेरी एडवाइस है सब लोगों को कि एक्स्ट्रा टची नहीं होना, चलने दीजिए, डिसेंट के साथ भी जीना सीखना चाहिए। तो ये बड़े बड़े मैसेज जो हैं इसके हैं। एक लाइन का मैसेज ये है, गहलोत कंटिन्यूज टू बी इन कंट्रोल एंड कमांड।